अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद करता हूँ आपको आज के इस व्लॉग में। तो भाई दिन काफी गुजर चुका है, सूरज तो अब यहाँ पर पहुँचने वाला है और अभी अभी मैंने अपना नाश्ता यहाँ पर कर लिया है। तो भाई आज का सीन कुछ यूं है कि मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से अपने दोस्तों के साथ पेशावर, जो कि बाहर उस तरफ आ चुके हैं और मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। तो जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ ना, तो मैं अपने परिंदों को सबको ऐसे बाय बाय करके जाता हूँ। तो मैं भी बाय बाय, इब्राहिम आपको भी बाय बाय, और सारे परिंदों का अच्छे से ख्याल रखना। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। तो अपने सफर का करते हैं आगाज। टोल प्लाजा सामने आ चुका है, बस इससे आगे हमने मोटरवे पे चले जाना है और तकरीबन यहाँ से इस्लामाबाद से पेशावर का सफर 2.5 से 3 घंटे। इतना सफर है 3-1 घंटे तक? 2.5 घंटे मैक्सिमम, 2.5 घंटे। तो हम इंशाल्लाह 2.5 से 3 घंटे में आराम आराम से वहां पर पहुंच जाएंगे। भाई मोटरवे पे जा रहे थे, हमारी गाड़ी में से ना कोई आवाज़ आना शुरू हो गई। अब हम चेक करना चाह रहे हैं क्या चीज़ है। कोई नीचे चीज़ तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, ये भाई निकला। अच्छा, इसकी वजह से? हाँ, इसकी वजह से। चलो इसे ऐसे जोर जोर से करते हैं ना तो हो जाएगा। कोई बड़ा मामला नहीं है, शुक्र है, छोटा सा मसला था वो हल हो गया। तो दोस्तों इस तरफ देखें, सरसों कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। मेरा वैसे जाने को दिल कर रहा है, चलो इनसे पूछते हैं। नीचे सरसों वगैरह लगी है, बहुत मजे की पिक्चर आएंगी। चले जाने का रास्ता है, नीचे कोई बाढ़ छाड़ है? बाड़े तो लगी हैं, वो नीचे बाड़े लगी हैं। पहले हमारी सरसें हो जानी है, कांटे कांटे लग जाने, बाढ़ से लेट हो जाएंगे। चलते हैं, यहाँ से जाने भी नहीं देते, मोटरवे पे चलते हैं जहाँ पर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये देखें, आपको हर तरफ यहाँ पर पतंग ही पतंग नजर आ रहे होंगे। तो हम घर से पेशावर आए ही यहाँ पर पतंग खरीदने के लिए। यार हमारे भी कोई अच्छे काम नहीं है, उधर इस्लामाबाद पिंडी में बसंत शुरू हो रही है ना, तो बसंत मनाने के लिए हमें चाहिए थे काफ़ी ज़्यादा पतंग डोर वगैरह। तो हम वही लेने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी बस हम किसी शॉप के अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर हमें आज क्या क्या मिलने वाला है। तो भाई हम आ चुके हैं एक शॉप के अंदर, यहाँ पर तो हर तरफ आपको पतंग और ये डोर नज़र आ रही होगी, बाहर भी हर तरफ पतंग ही लगे हुए हैं। तो अभी हम यहाँ से पसंद कर रहे हैं, भाई हमें दिखा रहे हैं, जो भी पसंद आते हैं ना फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ से क्या कुछ लेने वाले हैं। तो जो भाई को हमने पतंग बोले थे, भाई ने वो पतंग यहाँ पर ला कर रख दी है। अब हमने पसंद कर रहे हैं कि हमें कितने और कौन कौन से कलर चाहिए। तो यहाँ से फिलहाल कलर पसंद किए जा रहे हैं और कुछ कलर इस तरफ से भी पसंद किए जा रहे हैं। ये देखें, इस तरह के भी चाहिए। ओहो, ये तो यहाँ से फटा हुआ है। कोई बात है, ये हमें नए दे देंगे। और उसके अलावा भी हमने यहाँ पर कुछ पसंद किए थे, यहाँ पर नहीं है वो, साथ वाली शॉप में है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये वाले अलग रख दें। तो ये वाले दोस्तों यहाँ से लेकर ना यहाँ तक, ये सारे लेके जाने। तो ये सारे, ये वाले भी हो गए, ये वाले भी सारे हो गए। तो ये सारे फिलहाल हमने बड़े वाले पतंग खरीद लिए हैं, और भी सिलेक्ट कर रहे हैं, छोटे वाले भी खरीदे हैं। अच्छा, वहाँ से और भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये है वो केमिकल जिसके साथ पतंग को उड़ाया जाता है। यहाँ से ये लेने के बाद इन बाबा जी को यहाँ पर दे देते हैं और फिर ये मशीन के साथ ना इसके ऊपर ऐसे चढ़ा कर दे देते हैं। ये फिर पतंग उड़ाने में ना हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, वरना फिर अगर इससे उड़ाएंगे तो हाथ भी कट सकता है और इसमें ना कभी कभी टूटी हुई भी बीच में आ जाती है। हाँ, ये देखें यहाँ पर ना, ये बाबा जी बता रहे हैं कि ये टूटी हुई है, तो इसको फिर ये बिल्कुल सेट करके इसके ऊपर लगा देते हैं। तो इस तरफ ये यहाँ पर पतंग बनाते हैं, यहीं पर ये इस बांस की मदद से ना ये स्टिक पहले बनाते हैं इसको काट कर, और फिर यहाँ पर ये वाले भाई इसको ये वाली सीधी वाली स्टिक लगाते हैं। भाई ज़रा लगा के दिखाएं, और उस तरफ वो जो भाई है ना वो फिर उसको, ये देखें आपके सामने कितने मजे से, यार कितनी स्पीड से बना रहे हैं। हमें तो एक पतंग बनाना पड़ जाए ना तो हम तो पहले 5-10 पतंग ज़ाया करेंगे, उसके बाद फिर हमसे बड़ी मुश्किल से एक आधा पतंग बनेगा। बड़े पतंग तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिए कि हमने कौन से खरीदे हैं। अब मैं छोटे में आपको दिखा देता हूँ कि ये वाले 100 पतंग और इसी में ना ये वाले 100 पतंग। ये छोटे होते हैं, ये काफ़ी अच्छे से उड़ते हैं, और अगर कट भी जाते हैं ना तो कोई टेंशन नहीं होती, फिर बंदा नया उड़ा लेता है। तो तकरीबन 50 पतंग बड़े हैं और 200, ये तकरीबन ये मिलके 250 पतंग हो जाते हैं। अब हमने डोर कौन सी खरीदी है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यार वाकई ये सब इंजी भाई? हाँ सारी, यार ये बहुत ज़्यादा इंजी भाई, ज़्यादा ही तो चाहिए, इतने दूर से ज़्यादा ही तो लेने आए हैं। नहीं यार ये इतनी डोर है, आपको आइडिया है? तो उस दिन ये सारी डोर पतंगबाजी होगी, पतंगबाजी होगी, डोरें कटेंगी, पतंग जाएंगे, कम हो जाएगी फिर, और मैं अकेला थोड़ी हूँ, और भी तो है ना, काफी ज्यादा बंदे होंगे। चलो ठीक है, ये 2, 4, 6, 8, 9 और ये 10 कर ले। बस ठीक है, चलो 10 काफी है। ठीक है जी, उड़ाएं। तो पतंगों वाली दोस्तों हमारी शॉपिंग कम्प्लीट हो चुकी है, अब हम यहाँ से किधर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं यार, खाना नहीं खाना यार, खाली पेट जाएंगे। हाँ, तो अभी हमने खाना खाना है और फिर यहाँ से सीधा अपने घर के लिए। मेरी फेवरेट डिश ये बनो पुलाव है,
तो इसलिए मैंने सबको कन्विंस किया है कि भाई हमने यही खाना है, और साथ में ये चीज़ यानी कि जो हड्डी होती है ना इसमें से गूदा निकलता है वो भी हमारा माशाल्लाह से आ चुका है। तो अभी हम जल्दी से यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और खाना खाते ही ना हम जल्दी जल्दी हम यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाएंगे, ताकि हम जल्द से जल्द ना, अंधेरा तो भी पड़ने वाला है लेकिन हम ज़्यादा लेट रात तक घर ना पहुँचे। तो दोस्तों खाना तो हमने खा लिया, अब यहाँ पर है चाय और कहवा। आपने क्या पीना था? चाय। आपने भी चाय कहवा, और आपने चाय। खाना खाने के बाद कान खराब हो जाते हैं, तो मैंने कहवा पीना है। अब एक में चाय है एक में कहवा है, आपको चाय पीनी है तो एक कोई आंखें बंद करके उठा लें, हमें नहीं पता किस में है, नहीं उठा लें ऐसे ही आंखें खोल के उठा लें। ये सब्ज है मुझे लगता है इसके अंदर अब यही पिए चले नहीं, 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 इसके अंदर फिर चाय होगी, अभी देख लेते हैं क्या है। ओ इसके अंदर चाय है, मैं चाय नहीं पीता, हम पीने वाले हैं ये। तो फाइनली अभी हमने यहाँ से खाना भी खा लिया है, हमने यहाँ से चाय कहवा सब कुछ पिया है, और ये भाई ऊपर जा रहे हैं, इन्होंने हमारी यार बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर हमें अच्छे से सर्व किया, हमारी काफ़ी ज़्यादा इज्जत की है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। घर का सफ़र हो चुका है शुरू, हम मोटरवे पे आ चुके हैं, और अभी तकरीबन हमें यहाँ से घर तक 2 घंटे तो पक्के लग ही जाने हैं। अभी भी रोशनी है लेकिन घर जाते जाते ना हमें अंधेरा पड़ जाएगा। अभी टाइम हो चुका है 5:50, तो हम नोट करेंगे कि हम घर कब तक पहुँच जाते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है 6-7-8 बजे तक हम अपने घर में होंगे। तो इस्लामाबाद में हम पहुँच चुके हैं, हम वहाँ से तकरीबन 6 बजे निकले थे और इस वक्त 7:16 हो रहे हैं। 1.25 घंटे में यार पेशावर से हम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। अब मोटरवे से उतर कर तकरीबन हमारे घर तक 20 मिनट का रास्ता है। तो वापस दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ, इस वक्त पूरे 8 के करीब टाइम होने वाला है, और मुझे घर आए हुए भी ना तकरीबन 5-7 मिनट हो चुके हैं। तो अभी घर के अंदर नहीं जाना बल्कि यहीं से सीधा मुझे जाना है अपने जिम में। ये देखें दोस्तों हमारा फाउंटेन कितना प्यारा यहाँ पर लग रहा है, जब ऊपर से लाइट का कलर चेंज होता है तो पता चलता है जैसे पानी का कलर भी यहाँ पर चेंज हो चुका है, और ये वाला वाटरफॉल भी आपको बहुत जल्द चलता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द हम इसकी भी सेटिंग करवाएंगे। मेरे जिम की लाइट जल रही है यहाँ पर, ओ माशाल्लाह पहलवान साहब यहाँ पर जिम लगा रहे हैं। जिम यार जिम देखना, कोई हड्डी पसली ना अपनी तोड़वा लेना। पसली नहीं, ये देखे कितने केजी के है। 5 केजी है ना, इससे ज्यादा नहीं उठाना। हाँ बस इतना सा ठीक है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि काफी दिनों से भाई साहब ने जिम वाला व्लॉग क्यों नहीं डाला, तो यार मसला पता क्या है, हमारे जिम का अभी सामान कम्प्लीट नहीं हुआ, हमारा जिम अभी अधूरा है, अभी कुछ सामान आना है। तो मैं चाह रहा था कि एक ही दफ़ा हमारा जिम कंप्लीट तैयार हो जाए, उसके बाद ही हम अच्छा सा जिम का व्लॉग बनाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मैं थक चुका हूँ, लेकिन अभी मुझे काफ़ी वर्कआउट और करना है, काफ़ी मेहनत करनी है, अच्छे से अपनी बॉडी को बनाना है, ताकि फिर मैं आपको भी अच्छी अच्छी टिप्स दे सकूँ। जब मेरी बॉडी अच्छी बन जाएगी तब ही मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स दे सकूँगा, फिर आप भी अपनी बॉडी बना सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं करने लगा हूँ अपना बाकी का वर्कआउट, और आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।